नादिन, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर का पेपर जो कि हुआ था 19 मार्च 2022 को, और डिपार्टमेंट था एग्रीकल्चर। केस नंबर था 9K 2021। बेसिकली ये 100 मार्क्स का जो जीके का पेपर था, तो हमने जितने क्वेश्चन जो है वो हमसे कलेक्ट हो सके हैं वो आपके साथ हम आज शेयर करने जा रहे हैं। तो वीडियो का आगाज़, क्वेश्चन नंबर 1, भंगड़ा इज़ अ डांस ऑफ पंजाबी। तो भंगड़ा जो है वो पंजाबी फोक डांस है, इंडिया का एज वेल एज पाकिस्तान दोनों का। क्वेश्चन नंबर 2, ओजोन लेयर वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स फैब्री एंड हेनरी व्यूजन ने। क्वेश्चन नंबर 3, 17वीं सदी में जो है वो जजिया जो है ना वो किसने किस मुगल किंग ने इम्पोज किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो औरंगजेब है। इंट्रोड्यूस बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और उसके बाद इम्पोज किया था औरंगजेब आलमगीर ने। सेन रिवर कहाँ पे है? तो ये फ्रांस का बहुत ही मशहूर रिवर है। क्वेश्चन नंबर 5, उर्दू की पहली तनकीदी किताब का नाम क्या था? मुकदमा शेर व शायरी, जो कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 6, तहरीके निस्वा जो है वो मूवमेंट किसने स्टार्ट की? शीमा किरमानी ने। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, ये बहुत ही मशहूर शेर है, और ये किस शायर ने लिखा है? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। ड्यूरिंग इंटरम गवर्नमेंट 1946 फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो थे लियाकत अली खान। क्वेश्चन नंबर 9, लॉन्गेस्ट रेस फॉर एथलीट। तो 10,000 मीटर है बेसिकली, ये ट्रैक पूछा था कि ट्रैक कितने मीटर्स का होता है लॉन्गेस्ट, तो 10,000 मीटर इसका राइट आंसर है। लार्जेस्ट जो है वो किसकी आर्मी है, कौन सी कंट्री जिसकी आर्मी सबसे ज़्यादा है? तो चाइना है, चाइना की आर्मी भी सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे आबादी भी सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 11, फादर ऑफ हिस्ट्री हिरोडोटस ऑन विच टॉपिक, बेसिकली बुक का नाम है, उसने पूछा था कि ये जो किताब है ये इसका टॉपिक किससे रिलेटेड है? तो ये वार के रिलेटेड है, जंग के रिलेटेड, बिटवीन ग्रीस एंड पर्शिया। बेनज़ीर भुट्टो की जो है वो डेथ डेट पूछी थी, 27 दिसंबर 2007 को जो है ना वो उनको शहीद किया गया था। लार्जेस्ट डेजर्ट इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो थर है, और टोटल पाकिस्तान में 4 डेजर्ट है, थर, चोलिस्तान, थल और खारान। बागो बहार किसने लिखी? मीर अमन दहलवी ने। रावलपिंडी कॉन्स्पेरेंसी केस जो है ना, जिसमें जो फैज़ अहमद फैज़ जिनका नाम था, वो उसका जो है वो ईयर पूछा था 1951। शी इज़ मच बेटर देन मी, तो देन यहाँ पे आना। क्वेश्चन नंबर 17, ही पेड द डनिंग बिल विद द क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पे बिल के साथ फिक्स प्रेपोजिशन विद आना था। क्वेश्चन नंबर 18, शी डैश द ड्राइविंग टेस्ट टू गेट अ लाइसेंस, तो यहाँ पे शी है, सिंगुलर है, तो हैज़ आना था, हैज़ टू पास। क्रिटिसिज्म का मतलब पूछा गया था कि क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है, तो इसे उर्दू में कहते हैं तनकीद। जनरल इलेक्शन जो है पाकिस्तान में हर 5 साल बाद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पहाड़ और पंखड़ का पूछा गया था कि ये क्या है, इसमें मुकब्बर है वो इसम, इसमें ज़ात जिससे किसी इसम की बड़ाई या बड़ापन जाहिर हो, उसे इसमें मुकब्बर कहते हैं। 32 जाने वाला इंसिडेंट जो कि 1919 में हुआ था, इज आल्सो कॉल्ड अमृतसर इंसिडेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट मूवमेंट बाय, तो क्विट इंडिया मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? गांधी ने। ये जितनी भी शुद्धनी वाली जो है ना डंडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये गांधी ने ही शुद्धनी छोड़ी थी। अलामा इकबाल पीएचडी थीसिस, अलामा इकबाल ने जो पीएचडी की थी उस उनके थीसिस का टॉपिक क्या था? डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स ऑन इस्लाम। नंबर 25 में रैंकिंग पूछी थी कि पाकिस्तान का शुगर प्रोड्यूस करने में कितना रैंक है, तो 5th नंबर पे है पाकिस्तान, शुगर प्रोड्यूस करता है, 5th रैंकिंग है पाकिस्तान। फर्स्ट गवर्नर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान मुश्ताक अहमद गुरबानी। ग्रैंड कैनन नेशनल पार्क जो है वो एरिजोना में है, यूएसए की स्टेट है एरिजोना, वहाँ पे है।
ब्लैकचेन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू क्रिप्टो करेंसी। तो ब्लैकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी में इस्तेमाल होती है। ये सम करना था 0.3 + 3 + 3.3 + 3.0 + 3.33 + 3.33 + 3.33, तो इसका आंसर है 345.96। क्वेश्चन नंबर 34.2 × 4.2 − 1.9 वापस में मल्टीप्लाई किया, तो ये सिंप्लीफाई करना था। बेसिकली ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है ना, तो ये इस फार्मूले के तहत जो है ना वो सॉल्व होना था, तो इसका आंसर बनता है 1। क्वेश्चन नंबर 31, ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी थी। ए की वैल्यू आती थी 3 और बी की वैल्यू आती थी 0, तो ये देख लीजिएगा सिंप्लीफाई, बड़ा मैंने इसलिए सॉल्व करके जो है ना वो दिया। 5% सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट 1 लाख फॉर 4 ईयर्स, तो सोल्यूशन है 5% निकालें 1 लाख का, तो ये बनता है 5,000। तो इसको क्योंकि 4 ईयर्स है तो 4 से मल्टीप्लाई करें, 20,000 आ जाएगा। एक अनदर मैथ का क्वेश्चन था, सिंपलीफाई करना था, 5 बनता था इसका आंसर। ए प्लस बी की जो है वैल्यू दी थी -2 है, तो ए प्लस बी का जो है वो क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ए प्लस बी की वैल्यू है -2, तो -2 का क्यूब जो है ना वो -8 आ जाता है, क्योंकि माइनस की जो है वो क्यूब में जब भी हो रकम वो माइनस में रहती है। ब्रिटिश कश्मीर ट्रीटी 1845 इज आल्सो कॉल्ड अमृतसर ट्रीटी। कायदे आजम ने जो है वो प्रेसिडेंसी ऑफ मजिस्ट्रेट किस ईयर में जो है ना वो ली थी, 1900 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर, तो इंटेलिजेंस जो है वो इसका राइट आंसर है। दफा एग्जाम्स में आया, अ क्लॉक स्ट्राइक्स वंस एट 1 o'clock, ट्वाइस एट 2 o'clock, थ्राइस एट 3 o'clock एंड सो ऑन, हाउ मैनी टाइम्स विल इट स्ट्राइक्स इन 24 आवर्स। सिंपली आपने 1 से 1 1 + 2 + 3 up to so on, ये जो है ना टोटल क्लॉक जो है वो डिवाइड होता है 1200 में, तो ये 78 आ जाना था। 78 को मल्टीप्लाई बाय 2 करना था, क्योंकि 24 आवर्स हमें चाहिए, कितनी दफ़ा स्ट्राइक करता है। तो फर्स्ट स्ट्राइक 12, और अगला जो है वो अगर 24 आवर्स के लिए हमें चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये 156 इसका आंसर आ जाना था। नंबर 39, ससनैट डिस इंटीग्रेटेड बाय रोम। पीपीटी जो एक्सटेंशन है ये पावर पॉइंट की, और ये मल्टीमीडिया में यूज होती है। टू क्लच एट अ स्ट्रॉ, इस इडियम का मतलब क्या है? टू बी विलिंग टू ट्राई एनीथिंग टू इम्प्रूव अ डिफिकल्ट और अनसेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन, इवन इफ इट हैज लिटल चांस ऑफ सक्सेस। क्लोज्ड पाथ सराउंडेड बाय अ बाउंड्री, तो ये पैरामीटर की जो है ना डेफिनेशन बताई पूछी गई थी। वन कंप्यूटर लिंक टू अनदर कंप्यूटर ऑन इंटरनेट, इसे क्या कहते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। तो 44th क्वेश्चन है, ये मैथ का है। इफ एम ओवर 2n इज इक्वल टू 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन ओवर 2m? तो ये सिंप्लीफाई करना था, वैल्यूज पुट करके, तो मैंने आंसर साथ सॉल्यूशन भी दे दिया है, 1/8 इसका राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस? ग्लोबल गवर्नेंस की डेफिनेशन आई थी, डेफिनेशन इसकी एग्जैक्ट यही आई थी, गैप्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम फॉर मैनेजिंग कम्प्लेक्स इश्यूज एंड टू इंगेज स्टेक होल्डर्स ऑन प्रैक्टिकल। वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बाकी किसी के पास अगर क्वेश्चंस हों इससे रिलेटेड तो हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा इस नंबर पे। किसी ने ग्रुप में ऐड होना हो, मेल्स और फीमेल्स के अलग ग्रुप हैं, अगर ऐड होना हो तो हमें आप टेक्स्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं कुछ ही देर तक सोशल वेलफेयर ऑफिसर का जो आज पेपर होगा वो भी अपलोड कर दूंगा। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।